धरती गगन होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन होती है तेरी जय जयकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के बीच में लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि रीवा चिरमिरी ट्रेन को शुरू करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन इस ट्रेन को शुरू तो किया जा रहा है लेकिन थोड़ा सा झटका यात्रियों को दे दिया गया है। आइए आपको पूरी जानकारी बता देते हैं। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु सदैव प्रयासरत रहती है। गाड़ी संख्या 11751, 11752 रीवा चिरमिरी रीवा त्रिसाप्ताहिक मेल एक्सप्रेस ट्रेन 5 अक्टूबर से सेवा बहाल करने का निर्णय लिया गया है। इस रेलगाड़ी की विस्तृत जानकारी कुछ इस प्रकार से है, यानी कि इस ट्रेन को हफ्तों के सिर्फ 3 दिन चलाया जा रहा है। पहले ये ट्रेन हफ्तों के 7 दिन चला करती थी, लेकिन इस ट्रेन को इस बार हफ्तों के 3 दिन चलाया जा रहा है। गाड़ी संख्या 11751 रीवा चिरमिरी ट्रेन। ये ट्रेन रीवा से सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेगी, हफ्ते में 3 दिन चलेगी। और ये ट्रेन रीवा से शुरू हो रही है 5 अक्टूबर 2022 से, और वापसी में गाड़ी संख्या 11752 चिरमिरी रीवा ट्रेन। ये ट्रेन चिरमिरी से रवाना होगी मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन रीवा के लिए। और चिरमिरी से ये ट्रेन 6 अक्टूबर 2022 से अगले आदेश तक चलेगी, यानी कि पहले ये ट्रेन हफ्तों के 7 दिन चला करती थी, लेकिन अब इस ट्रेन को हफ्तों के 3 दिन चलाया जा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रैक की कमी की वजह से ही इस टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं। आपको बताते चले इस ट्रेन के कोच कम्पोजिशन। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के 5 कोच दिए गए हैं, 6 इस ट्रेन में जनरल क्लास के कोच दिए गए हैं और 2 इस ट्रेन में SLRD के कोच दिए गए हैं, जो कि एक आगे है और एक पीछे रहेगा, यानी कि 13 कोच इस ट्रेन में दिए गए हैं। इसमें एक्सप्रेस ट्रेन का स्टेशनों पर ठहराव एवं समय कुछ इस प्रकार से रहेगा। आइए ट्रेन की पूरी समय सारणी आपको बताते चलें। तो सबसे पहले आपको बताते चलें गाड़ी संख्या 11751 रीवा चिरमिरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन रीवा रेलवे स्टेशन से शाम को 7:20 पर चिरमिरी के लिए रवाना होगी, जो कि सतना पहुंचेगी रात में 8:25 पर, मैहर पहुंचेगी 8:53 पर, अमदरा पहुंचेगी रात में 9:13 पर, कटनी पहुंचेगी रात में 9:55 पर, उमरिया ये ट्रेन पहुंचेगी रात में 11:31 पर, बिरसिंहपुर ये ट्रेन पहुंचेगी रात में 11:55 पर, और ये ट्रेन अगले दिन शेड्यूल पहुंचेगी रात में 12:40 पर। ये ट्रेन बुढ़ार पहुंचेगी रात में 1:06 पर, अमलई पहुंचेगी 1:07 पर रात में, अनूपपुर पहुंचेगी 1:40 पर, कोतमा पहुंचेगी 2:15 पर, बिजुरी पहुंचेगी रात में 2:40 पर, मनेंद्रगढ़ पहुंचेगी सुबह 3:18 पर, और ये ट्रेन चिरमिरी पहुंचेगी 4:35 पर। लगता है इस ट्रेन का चंदिया में स्टॉप नहीं दिया गया है। वहीं वापसी में ट्रेन गाड़ी संख्या 11752 चिरमिरी रीवा मेल एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन चिरमिरी से शाम को 7 रवाना होगी रीवा के लिए, जो कि मनेंद्रगढ़ पहुंचेगी शाम को 7:40 पर, बिजुरी पहुंचेगी रात में 8:20 पर, कोतमा पहुंचेगी रात में 8:45 पर, अनूपपुर पहुंचेगी रात में 9:35 पर, अमलई पहुंचेगी रात में 9:51 पर, बुढ़ार पहुंचेगी रात में 10:02 पर, शहडोल पहुंचेगी रात में 10:30, बिरसिंहपुर पहुंचेगी रात में 11:13 पर, उमरिया पहुंचेगी ये ट्रेन रात में 11:41 पर, और ये ट्रेन कटनी पहुंचेगी रात में 1:20 पर, अमदरा पहुंचेगी रात में 1:58 पर, मैहर पहुंचेगी ये ट्रेन रात में 2:18 पर, सतना पहुंचेगी ये ट्रेन सुबह 3:10 पर, और ये ट्रेन रीवा सुबह 4:45 पर रीवा रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। यात्रियों को इस ट्रेन के शुरू होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कोरोना वायरस जब हमारे देश में आया उस समय भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेनों को बंद कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे यात्रियों की मांग को एक्सप्रेस ट्रेनों को ही स्पेशल का दर्जा दे के चलाया गया, लेकिन इस कड़ी में जो रीवा चिरमिरी ट्रेन थी ये कोरोना काल से बंद थी। कई बार इस ट्रेन को शुरू करने के लिए क्षेत्र की जनता के द्वारा आग्रह किया गया, लेकिन रेलवे द्वारा शुरू नहीं किया। उसके बाद चंदिया रोड रेलवे स्टेशन के लोगों ने उग्र आंदोलन किया, उसका थोड़ा सा असर रेल मंत्रालय तक गया। उसके बाद शहडोल की माननीय सांसद हिमांद्री सिंह जी के द्वारा भी पत्र लिखा गया था कि इस ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि इस ट्रेन के चलने से आम यात्रियों को राहत मिल सके। तो फिलहाल वैसा सेंट्रल रेलवे जबलपुर की तरफ से इस ट्रेन को शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी इस ट्रेन की टिकट बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है, टिकट बुकिंग इस ट्रेन की 2 या 3 अक्टूबर के आसपास शुरू होगी। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने RTI लगाई थी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर को, उनने पूछा था कि रीवा चिरमिरी कब चलेगी, तो
आरटीआई में जो जवाब आया आप देख सकते हैं, इसमें भी बता दिया गया था कि 3 अक्टूबर के बाद से रीवा चिरमिरी को शुरू करने की तैयारी है और आज खुशखबरी आप सभी के बीच में मिल गई है कि 5 अक्टूबर 2022 से रीवा चिरमिरी ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। तो इस ट्रेन के शुरू होने से आम यात्रियों को बड़ी ही राहत मिलेगी क्योंकि चिरमिरी तरफ जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं चल रही थी। कोरोना काल से यात्री बस के महंगे सफर से यात्रा कर रहे थे। त्योहारों का समय आ गया है, दशहरा दिवाली का समय आ गया है। इस ट्रेन के चलने से यात्री त्योहारों में अपने घर आराम से वापस आ सकेंगे और आराम से वापस जा सकेंगे। ट्रेन को तो शुरू कर दिया गया लेकिन थोड़ा सा झटका ये दे दिया गया कि इस ट्रेन को हफ्तों के 3 दिन शुरू किया गया क्योंकि ये ट्रेन जब पहले चला करती थी तो हफ्तों के 7 दिन चला करती थी। ऐसा क्यों किया ये तो समझ के परे है। तो आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के बीच में लेके आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।